अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। लेकिन जी अपनी रेसिपी को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जी करेले बनाने के लिए सबसे पहले इनको पील ऑफ कर लीजिए, इनके और इन छिलकों को भी फेंकना नहीं है, हम इनको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले करेलों में जो कड़वाहट होती है हम उसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके लिए आप इनको नमक लगा कर रखें, जो छिलके हैं उनको भी हम नमक लगा कर रखेंगे और जो करेले हैं उनको भी हम नमक लगा कर रखेंगे। नमक लगाने से ये होगा कि इस इनमें जो पानी होगा या जो कड़वा पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। आपने इनको लगा कर कुछ देर, जितना आपके पास टाइम हो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे रख सकते हैं, नहीं तो आप 1 घंटा आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो जी इनको नमक लगाकर हमने दोनों को अच्छी तरह से मल मल कर नमक लगा कर रखा, उसके बाद हमने इनको वॉश कर लिया था। अच्छी तरह आपने मल कर धोना कि करेलों में नमक ना रह जाए। इन छिलकों को भी मैंने धो लिया था और करेलों को भी धो लिया था। तो जी करेले रखे हमने एक साइड पर और हम इसकी फिलिंग की तैयारी शुरू करेंगे। और इसकी हमने फिलिंग करनी है कीमे के साथ। तो कीमे को सबसे पहले हम पका लेंगे, कच्चा तो नहीं ना इस्तेमाल करेंगे। तो जी सबसे पहले आप प्याज को फ्राई कर लीजिए, प्याज अच्छी तरह से इसको कलर दे लीजिए। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद सबसे पहले हमने डाला जी अदरक और लहसुन, इसको फ्राई कर लीजिए ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी हैं 1 से 2 अदर टमाटर, ये फ्रीज हुए हुए थे, इनका मैंने छिलका उतार कर इसमें इस्तेमाल किए हैं। और जी अब खुश्क मसाले डालने हैं। खुश्क मसाले डालने से पहले मैंने डाला थोड़ा सा पानी ताकि वो जले नहीं। मैंने डाले हैं जी 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया एंड 1 टीस्पून डाली है जी हल्दी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिक्स मिक्स मिक्स। ले जी जब मसाला फ्राई हो जाए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, जब ये तेल छोड़ दे इसका मतलब ये मसाला फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे जी कीमा, कीमे की हम पहले अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। कीमे को करने के बाद जो छिलके थे उनको धोकर हमने ड्राई कर लिया था। उसके बाद हम उनको कच्चा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई कर लेंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको इस पैन में से निकालकर जो हमने कीमा बनाया था हम उसमें डाल लेंगे। देखिए क्या उसके इसमें ये हम छिलके ऐड कर देंगे जो हमने करेले के पील ऑफ किए थे। हाँ जी, तो ये ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया जी अंदर का मिक्सचर तैयार, करेलों के अंदर का मिक्सचर तैयार। हाँ जी, अब है बारी करेलों की। जो हमने करेले पील ऑफ किए हुए थे, जिनको हमने नमक लगा के धो लिया था, इनको हमने सबको फ्राई कर लेना है तेल में, जितने मर्जी तेल में, थोड़े से तेल में फ्राई कर लीजिए। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना ताकि इनका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा हो जाए इनका कलर, इतना हमने इनको फ्राई करना है। ये मैं खाली ही फ्राई कर रही हूँ, इनमें कुछ भी फिल नहीं हुआ है, मैं इनको पहले फ्राई करूँगी। 2 तरीक़ों से आप बना सकते हैं करेले, या तो आप पहले फिलिंग कर लें फिर एंड पे फ्राई कर लें, या आप सिंपल जो है उनको पहले फ्राई कर लें उसके बाद उसमें फिलिंग कर लीजिए। मैंने जी ये पहले फ्राई कर लिए हैं, इनको फ्राई करके अब मैं जी इनको स्ट्रेनर की मदद से निकालूंगी ताकि इनमें इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। फ्राई करने के बाद हम इनको किसी भी ट्रे में, किसी भी प्लेट में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। अब गरम गरम तो नहीं ना हम भरेंगे, तो जी इनको थोड़ी देर के लिए हमने रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाए। और जब ये ठंडे हो जाए तो हमने इनमें फिलिंग स्टार्ट करनी है उस कीमे की जो हमने बनाया था। चम्मच की मदद से कर लें, फिंगर की मदद से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये जी करेलों की हो गई है फिलिंग,
अच्छी तरह से इनमें भर भर के मैंने भर भर के मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। अब जी है इनकी पैकिंग की बारी। तो जी हम एक वाइट कलर की रील लेंगे, उसकी मदद से हम इनको रैप कर देंगे। आप इनको सी भी सकते हैं, सुई से पहले मैं सीती ही थी लेकिन अब टाइम नहीं है इतना, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, तो इस वजह से मैंने इनको जल्दी जल्दी रैप कर दिया है। लेकिन ये वाला काम थोड़ा इतना सेफ़ नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, तो इसलिए आप सिलाई वाला करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जी इनको जब कीमे को आप थोड़ा सा हीट अप कर लें, उसके बाद अपने जो आपने करेले रैप अप किए हैं उनको हम इस कीमे में डाल देंगे। एंड पे जी इसमें थोड़ा सा आपने पानी डालकर तो इसको दम पे रखना है ताकि करेलों में या कीमे में कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए या ये यकजान हो जाए। हाँ जी, आगे कलरिंग देने के लिए थोड़ी सी हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और फिर आपने लाजमी इसको एंड पर, यहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं हुई है, आपने लाजमी थोड़ा सा पानी डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखना। मैंने इसको रोटी के साथ खाया, आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।